हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी क्लासेस। फर्स्ट सेमेस्टर की तरह सेकंड सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपके सेमेस्टर से संबंधित। तो पहला पेपर आपका भारतीय दंड संहिता एवं लघु अधिनियम का है। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें जो लगभग 60 मार्क्स हैं वो आपके कवर करेगा भारतीय दंड संहिता, और बाकी के जो 40 मार्क्स हैं वो आपके लघु अधिनियम जो दिए गए हैं। कुछ लघु अधिनियम जो हैं वो एक एक पेज के भी हैं, तो आपका ज़्यादा स्कोरिंग लघु अधिनियम रहेगा। साथ ही भारतीय दंड संहिता में अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके मार्क्स को बूटस्ट्रैप करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता से हम शुरू करने वाले हैं। बुक नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय दंड संहिता एवं लघु अधिनियम, जो आपका पहला पेपर जो है होने वाला है। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है धारा 21, जिसमें लोक सेवक के बारे में बताया गया है, पेज नंबर 6 पे ये दी गई है। उसके बाद धारा 34 सामान्य आशय, पेज 8 पर दिया गया है। धारा 76 से 95 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सामान्य अपवाद दिए गए हैं, वो पूरे अपवाद आपको पढ़ के जाना है, पेज नंबर 11 पर ये दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में दिया गया है, ये पेज 17 पर दिया गया है। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव, पेज नंबर 24 पर दिया गया है। धारा 319 उपहति, धारा 320 घोर उपहति, धारा 42 पेज नंबर 42 पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 339 से 342 तक सदोष अवरोध और सदोष परिरोध जो है पेज नंबर 46 पर दिया गया है। आठवां पॉइंट है धारा 359 से 370 अपहरण व्यपहरण दासत्व और बाल श्रम के बारे में बताया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेज नंबर 52 पर है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्दापन, पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 61 पर ये दिया गया है। और याद रखने के लिए, आपको याद करने के लिए पेज नंबर 88 धाराएँ जो याद करनी है उनको आपको पेज नंबर 88 से लेकर 94 पर पूरी धाराओं की सम्मरी दी गई है, जिसमें आप पूरी धाराएं एक साथ पूरी याद करने के लिए बहुत ही अच्छा दिया गया है, वहां से आप ये पढ़ सकते हैं। एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, धारा पेज नंबर 88 से 94 पर ये दिया गया है। इसके बाद अंतर भी दिए गए हैं बुक में, जो पेज नंबर 95 से लेकर 98 में, जिसमें सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में अंतर, व्यपहरण एवं अपहरण में अंतर, ऐसे ही करके आपको 4 से 6 विषय पर जो है अंतर दिए गए हैं। इन पूरे अंतर को आप पढ़ के जाएं, इनमें से 5 नंबर में बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 अंतर जरूर जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें तो धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र पेज नंबर 22 पर दिया गया है। धारा 124 का राजद्रोह के बारे में पेज नंबर 23 पर दिया गया है। धारा 268 लोक न्यूसेंस के बारे में दिया गया है पेज नंबर 32 पर। धारा 304B दहेज मृत्यु पेज नंबर 37 पर दिया गया है। धारा 463 कूट रचना पेज नंबर 71 पर दिया गया है। धारा 304 खा, इसका पॉइंट नंबर 63 आपको पढ़ के जाना है, पेज नंबर 86 पर दिया गया है। और धारा 354 और 354 का 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, पेज नंबर 49 पर ये दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो धारा 415 में छल, 425 में रिष्टि और आपराधिक अतिचार पेज नंबर 67, 69 और 70 भी आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित धारा है, धारा 354 आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आईपीसी के महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु जो तथ्य दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने की भारी संभावना है, पेज नंबर 80 से लेकर 87 मतलब 8 पेज में ये दिए गए हैं। तो इन 80 से 87 के बीच में जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनको आप पढ़कर जरूर जाएं, ताकि आपका ये जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी वाला सेक्शन है पूरा का पूरा 60 नंबर का अच्छे से कवर हो सके। तो आप ये पॉइंट अच्छे से देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी धाराएं आपके सामने हैं, पूरे जो महत्वपूर्ण मैंने सेक्शन और प्रश्न हैं वो निकाल दिए हैं, आप इनको याद करके जाएं और पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पूरा आप पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बुक का दूसरा नंबर सेक्शन जो है लघु, दूसरा जो पार्ट है वो लघु अधिनियम का है, जो लगभग आपके 40 नंबर कवर करता है और इससे प्रोबेबिलिटी है कि 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो लघु अधिनियम की हम बात करें तो ये भी बुक 2 में दिया गया है, सेकंड पार्ट है आईपीसी वाली बुक का। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है एनडीपीसी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जो है वो आपको पढ़ के जाना है, पेज नंबर 110 पे दिया गया है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम पेज नंबर 125 पर दिया गया है, इसको भी पढ़कर जाएं। अनैतिक व्यापार अधिनियम पेज नंबर 132, पुलिस अधिनियम 1861, जो पुलिस से संबंधित अपनी जॉब है और पुलिस से संबंधित चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, पेज नंबर 136 पर ये दिया गया है। आरटीआई जो होता है सूचना का अधिकार, पेज नंबर 160 पर दिया गया है, इसे भी जरूर पढ़कर जाएं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पेज नंबर 163 पर दिया गया है, इसको भी जरूर पढ़ के जाएं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पेज नंबर 169 पर दिया गया है, इसे पढ़कर जाएं।
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पेज नंबर 181 पर दिया गया है। मोटरयान अधिनियम जो है पेज नंबर 169 पर दिया गया है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम पेज नंबर 117 पर दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये छोटे छोटे अधिनियम हैं एक एक पेज के, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। आप इनमें कोई सट्टा नहीं लगा सकते हैं कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा। टोटल 17 आपको लघु अधिनियम आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ कर जाना है। कुछ ही बस ऐसे अधिनियम हैं जो एक एक पेज में दिए गए हैं, तो इन अधिनियम को जरूर पढ़ के जाएं ताकि आपकी जो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो जरूर कवर हो जाएं और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, क्योंकि आईपीसी जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप इसमें फेल भी हो सकते हैं, तो आपको इसको सिंसियरली लेकर अभी से इसके लिए पढ़ना चालू करना है ताकि आपका पेपर बन अच्छा जाए, इसके बाद के जो पेपर आने वाले हैं वो भी अच्छे जाएँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो आने वाले सब्जेक्ट्स पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही जो भी बच्चे सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे परम मित्र रमानंद तिवारी जी का, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद की है। जो उनका चेस नंबर 2 है, मेरा चेस नंबर 3 है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटने में मेरी मदद की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।